कपड़े पैक कर लिए जाएं। सबसे पहले तो मैं कपड़े पैक करता हूँ, बाकी सबने तो रात को ही कर लिए थे। मैं ही एक सबसे ज़्यादा लेजी बट था जिसने अभी तक कपड़े पैक नहीं किए हैं अपने, तो मैंने सोचा अपने कपड़े पैक कर लेता हूँ। पहले बैग छोटा है, सर्दियों के कपड़े हैं, थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना सर्दियों के कपड़े। देखता हूँ कैसे एडजस्ट करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद तैयार त्यूर होकर आप लोगों से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल संजू गाइड ट्रैवलर्स। कैसे हो फ्रेंड्स, सब बढ़िया? हम तो यहाँ सब बढ़िया हैं, होप सो आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और बता दूँ आज हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क। ओके, तो हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क टुडे, इंजॉय करेंगे और आपको भी इंजॉय कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारी जर्नी में। और बताओ, मैं नहा धो के ना तैयार हो गया हूँ, पैकिंग भी मैंने सवेरे की है। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा मैं एक अकेला ढीला ढक्कन हूँ और दो दो जैकेट पहन लिए हैं। ये देखो दो दो जैकेट, मफलर लगा लिया, ठंड नहीं लगनी चाहिए किसी भी सूरत में, है ना। नहा धो के, अभी मैंने बोला ना नहा धो के, नहाया नहीं हूँ नहाना तो सवेरे सवेरे क्या जरूरी था, और वही है ना कहावत है ना, शेरों के मुंह किसने धोए, तो नहाना किस लिए भाई, हम नहाते नहीं हैं सवेरे सवेरे। चलो मिलते हैं रास्ते में, मैं आपको दिखाता हूँ आज हमने क्या क्या किया। अब हमारी जर्नी को एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सोचा तो ये था कि दो दो जैकेट पहनने से ठंड नहीं लगेगी, पर इसमें तो गर्मी लगना शुरू होगी। मैं सोच रहा हूँ एक लेयर कम कर देता हूँ, क्योंकि गाड़ी के अंदर भी बैठेंगे तो उसमें भी वो लोग गर्म करके रखते हैं, तो एक लेयर मैं कम करता हूँ। चलो मिलते हैं रास्ते में और दिखाते हैं क्या क्या किया, निकलते हैं। वैसे हम ऑन द टाइम है, 6 बजे का टाइम था और अभी टाइम 5 मिनट हैं और सब रेडी हो गए हैं, सामान पैक हो गया है, गाड़ी रेडी है और हम चलने के लिए तैयार हैं। चलो तो ये देखो भैया, इस गाड़ी में जा रहे हैं हम। कौन सी है भैया गाड़ी तुम्हारी? सिराज जो भी है। अरे ये देखो भाई, सवेरे सवेरे आ गया सब सफाई करने के लिए। यार इतनी सवेरे सवेरे क्यों आया है? जो भी है यार गाड़ी, भाई इतनी जल्दी सवेरे सवेरे उठ के कैसे आ गया तू? अरे यार कितनी मेहनत कराते हैं तुम लोगों से ये लोगन। चलो मिलते हैं रास्ते में, विजय भाई का इंतजार हो रहा है, बाकी सब आ चुके हैं। एक एक कप चाय और पी लेते चलने से पहले। चलो जैसा कि मैं दिखाऊं, सवेरे के 6 बज गए हैं और लेट हो रहे हैं, मुझे लगता है आधा घंटा ये और लगाएंगे, अभी तक विजय भाई नहीं पहुंचे हैं। और यहाँ पे लाइट बड़ा वो करिए, और अच्छी खासी फोग हो रही है, तो बाहर तो और ज़्यादा होगी, यहाँ सिटी के अंदर इतनी फोग है तो स्लो ही जाना पड़ेगा। पर ठीक है, 6 बजे का टाइम दिया, 6:30 निकल लो तो बढ़िया, अपने देसी लोग थोड़ा लेट ही चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, मुझे गर्मी लग रही है, मैंने एक जैकेट उतार दी है और अपनी एक जैकेट और मफलर रख लिया है। मैं बाहर आया हूँ अभी और टाइम लगेगा अभी तो निकलने में, 15-20 मिनट तो ज़रूर लगेंगे। एज़ यूजुअल हम लोग कभी टाइम से निकल नहीं सकते, हम क्या सभी टाइम से नहीं निकलते। और काफ़ी फोग हो रखी है, मतलब आउटर साइड है तो और भी ज़्यादा फोग मिलेगी, क्योंकि हाईवे पर जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा फोग मिलेगी, बड़ा संभल के गाड़ी चलानी पड़ेगी। धीरे धीरे जाते हैं, पहुँचते हैं और आपको भी दिखाते हैं रास्ते की फोग, और इन्जॉय करो हमारे साथ। क्या देखो धुआं निकला। अरे भाई ये बर्थडे बॉय है, आज इसका बर्थडे, इसको बर्थडे विश कर दो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, आज मेरा बर्थडे है, आज पार्टी होगी। अंदर आके बैठ गया यार, इंतहा हो गई इंतजार की, हमारे सबसे पंचुअल बंदे अभी तक आए नहीं। ओहो आगे हैं, आगे आगे भाई साहब आगे हैं, देखो हमारे भाई साहब पहुंच चुके हैं। 5-8 मिनट लेट हो, बस ज्यादा नहीं हो। मैं तो ये देखो हमारी भाभी भी आ गई हैं सी ऑफ करने के लिए, और तो बाकी सब हो रहे हैं। भाभी है जो हमेशा सी ऑफ करने के लिए आती है। सो गाइस, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम निकल पड़े हैं धुंध के अंदर अपनी गाड़ी लेके। और बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अब निकल गए हैं, पहुंचते हैं, और पहुंचते हुए रास्ते में आपको जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, जहां जहां रुकते हैं आपको भी दिखाते हैं। मौसम बढ़िया हो रहा है वैसे तो, वहां और भी ज्यादा अच्छा ठंडा ठंडा होगा। चलो भाई चलते रास्ते में। गैस स्टेशन पे आ गया, थोड़ी गैस फुल करा लेते हैं, टैंक फुल कराना ना भाई, फुल कर दे भाई, टैंक फुल कर दो, ऑटो कट लगा दे।
जितना आएगा उसमें हो जाएगा। ये देखो मेरे पीछे धुंध, देखो कितनी धुंध है, जबरदस्त धुंध है। दिल्ली के बाहर तो इससे बुरी कंडीशन होने वाली है हम लोगों की। जी आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू मी है। थैंक यू भैया, हैप्पी बर्थडे टू मी। डे लाइट तो हो चुकी है, सूरज देवता अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हम लोगों को। और भाटी साहब ने हमको दिल्ली में ही गुम कर दिया था। घूम घूम के इधर उधर घूमे, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, कभी किसी थ्री व्हीलर वाले से पूछ रहे हैं, जब जाके हमें रास्ता मिला और अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। धुंध थी ना इसलिए दिखा, ये धुंध की वजह से कन्फ्यूज हो गए भाटी साहब हैं। भाटी साहब हाँ जी, धुंध की वजह से कन्फ्यूज हो गए, दिखा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज इसका सब माफ है, बर्थडे बॉय है ना, छोटा सा और लेफ्ट लेना था, आज भाई का बर्थडे है, सब माफ। पहला टोल आ गया भाई हमारा, टोल टैक्स पे करते हैं फिर जाते हैं। बताओ क्या बताते, फास्ट ट्रैक लगा हुआ है, शायद जल्दी हो जाएगा, लेकिन याद भैया उसको भी स्कैन करते हैं फिर जाने देते हैं। ये साइडों में हरे भरे खेत आ गए भाई, खेतों के नजारे लिए जाएं। कोई पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली के पोल्यूशन से बाहर आ चुके हैं। और ये पीछे देखो खेत ही खेत हैं, सरसों के खेत हरे भरे कितने अच्छे लग रहे हैं, मजा आ गया, अच्छी जगह है। अभी हम मिडवे पे पहुंच गए, ऑलमोस्ट हाफ रास्ता कवर हो गया है, पिछले 3 घंटे से चल रहे हैं। अभी थोड़ा ना ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेते हैं, टाइम हो गया है 9:15, 9:15 का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए हैं, देखते हैं कैसा है, कोई केथल ढाबा है उसके ऊपर हम लोग रुके हैं, देखते हैं कैसा खाना मिलता है इसका। आई बिलीव अच्छा ही मिलेगा, परौंठे शरोठे खाने हैं अपन ने, तो अपन परौंठे चाहिए होते हैं मॉर्निंग से। चलो भाई परौंठे खाते आओ। यार अंदर आ गया ना, ठंड लग रही है, पहले तो सोचा था कि गाड़ी में कि ठंड नहीं है, यहाँ पे पता चल रहा ठंड है। अरे भाई चश्मे लगा लेना, क्या कर रहा है, चश्मे यूं ही करके देखते रहे, चश्मे की नहीं लगाता तू, बहुत ठंड हो रही है, मज़ा आ रहा है फुल ऑन। ये भाटी साहब की जैकेट देखो, शहंशाह अंधेरी रातों में रात को जाता हूँ ना इंसाफ करने, इंसाफ करवाने तब भाई। परोठे दही मंगा लिया, 4 परोठे दही और बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, एक नंबर खाना, मजा आ गया, एंजॉय करते हैं, चलो मजा आ गया, क्वालिटी मेंटेन खाने का मजा आ गया। और हम चल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की तरफ, अब वहीं जाके रुकेंगे, बीच में एक आधा फ्रेश होने के लिए ब्रेक ले लेंगे, है ना। हाफ हो गया होगा ना, हाफ वे तो हो गया होगा, हां मिडवे है लाइक। ओके चलो भाई ऑफ रोडिंग हो रही है फुल ऑन, रोडों की कंडीशन देखो इतनी खराब है ना, ये लगता है रोड जब मैं 16-17 साल पहले आया था ना जब भी ऐसी थी, और अब उससे भी बुरी कंडीशन है, कभी किसी ने कुछ टच ही नहीं किया, देखो गाड़ी टिंचकड़ी, फुल ऑफ रोडिंग है भाई। उधर बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं बड़ा मजे से, देखो भाई पता नहीं कैसे बस वाले तो खींच के ले जा रहे हैं, फिर भी बस वालों को कोई टेंशन नहीं है। हम ना अभी एक कैफे पे रुके हैं, तो उसके पीछे क्रिकेट का ग्राउंड दिखाई दे रहा था, हमने सोचा चलो यार देखते हैं, एकेडमी लग रही है पूरी है, बढ़िया यार, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है अभी, अच्छी चीज बना, या फ्यूचर प्लेयर हैं हमारे, कंप्लीट स्टेडियम है यार ये, बढ़िया है, अच्छा है।
लगे रहो भैया, देखते हैं क्या सा प्लेयर है ये। बढ़िया है यार, हम चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे, इसलिए हमने सोचा चलो यार थोड़ा रेस्टरूम यूज़ कर लेंगे, चाय पी लेंगे। और ज़्यादा दूर रहा नहीं, अब जिम कॉर्बेट पार्क हम बिल्कुल ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, पास में ही है। कितना होगा यहाँ से, 50-55 किलोमीटर रह गए। चलो दिखाते हैं, जब तक हम भी क्रिकेट देखते हैं, आप भी एंजॉय करो। ये देखो सामने कैफे है, इसका नाम है वन इन ओवन कैफे। हमने लिए यहाँ पे चाय और कुछ सैंडविच, बड़े डिलीशियस हैं यार, सैंडविच तो बहुत अच्छे हैं, चाय भी अच्छी है, रिकमेंडेड है, बिल्कुल रिकमेंडेड है ये। वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई, देखो अभी हम ना थार की जरूरत है, यहाँ पे निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल गई। रिजोर्ट आ गया भैया हमारा, बहुत ही अच्छी जगह पे है, अभी जाते हैं अंदर देखते हैं कैसा है रिजोर्ट, कैसा है इटसेल्फ। कुछ ऐसा है नेचर की गोद में, पहाड़ चारों तरफ, पहले आप हिल गए फिर डाउन हिल आए, बिल्कुल नदी के किनारे पे है। इसका नाम है रिजोर्ट का नाम क्या है, सलोना। ओह देयर इज अ वाटरफॉल आल्सो, रिजोर्ट राइट में वाटरफॉल आ गया है, उनका अपना खुद का वाटरफॉल भी है। चलो वाटरफॉल भी देखेंगे कल, वाटरफॉल तो बंद होगा अभी, रेनी वाटरफॉल है क्या। तो ये एंट्रेंस है, देखते हैं भैया अंदर जाके कैसा, बढ़िया लग रहा है मेरे को तो बाहर से, तो अंदर का मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा है। सो एज यू गाइस कैन सी, क्या बढ़िया रिजोर्ट है यार, रिजोर्ट बहुत अच्छा है अभी तक, सो फार अभी तो हम पार्किंग में खड़े हैं, अच्छा लग रहा है। अभी वो चेक इन कराने के लिए गया मेरा भाई, तो चेक इन करेंगे, फिर वहाँ से शटल है, शटल हमें अपने रूम तक लेके जाएगी, जैसे जैसे जाएंगे आपको भी दिखाएंगे, हम मजाक करेंगे। जब तक मैं आपको ना थोड़ा उसकी व्यू दिखाता हूँ, जब तक आप यहाँ का व्यू देखिए, देखो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं अभी तो व्यू में, ओए होए बिल्कुल पहाड़ वगैरह बीचों बीच है भाई, यहाँ ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी, चारों तरफ पहाड़ हैं। मैंने हमेशा पहाड़ों में गया हूँ लेकिन मैंने ऐसे पहाड़ नहीं देखे कि चारों तरफ पहाड़ों हमारे है ना, चारों और काफी क्लोज हैं, ऐसा लग रहा है पहाड़ों के कुएं के अंदर डाल दिया हमें किसी ने, है ना। ये देखो मैं दिखाता हूँ चारों तरफ, यहाँ इधर लेफ्ट राइट, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और उधर उधर धूप आ रही है, नहीं तो उधर पीछे भी पहाड़ है और लेफ्ट में भी, वैसे कि नदी जाने का रास्ता है ना यही है एक, अभी नदी पे भी लेके जाएंगे। ये ऑफिस एरिया है और ये रिजोर्ट का नाम है, अगर किसी भाई को आना हो तो, अभी तक हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी और सारी डिटेल मैं आपको बताता जाऊँगा आगे। मैं पहले ना इनके ऑफिस एरिया की वो बना दूं वीडियो। चलो यार अपने रूम तक जाते हैं, सामान तो खुद ले आएंगे,
और मेरे पीछे यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का सामान ही हमें देंगे और हम क्रिकेट भी खेलेंगे आज। आज तो नहीं खेलेंगे, कल खेलते हैं, अभी टाइम मिला तो आज भी खेलेंगे। फुल धमाल होने वाला है, फुल धमाल, फुल्ली धमाल करेंगे यार। ये देखो छोटा बेबी भी है इसके साथ में ना, वो रहा, वैसा फोन मत छीनना मेरा। ये कुछ हमारे रूम है, मैं पहले आपको, दो रूम है 116 और 117, बाहर सिटिंग एरिया है और मैं दिखाता हूँ रूम कैसे है अंदर से। लेट्स सी इन द 117। नेचुरल वुड से बना सब कुछ, नेचुरल स्टोन से, ओके, काफी काम है। वाओ, इट्स नाइस। कुछ ऐसा है, ये बेडरूम है, इधर कुछ सिटिंग एरिया है, ये बाथरूम भी ठीक है, छोटा है पर ठीक है, नॉट बैड। और इधर क्या है, एक सिटिंग एरिया इधर भी है। व्यू देखता हूँ बाहर का कैसा है, ओ ओ पीछे तो कुछ ऐसा व्यू, सामने कुछ ऐसा व्यू है, ये मतलब सामने नहीं पीछे विंडो है, विंडो से कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये कंप्लीट व्यू है रूम का, अच्छा है, कोजी कोजी है, बड़ा प्यारा सा है, नेचुरल स्टोन है ये सारा का सारा जो इस पर लगा हुआ है। एक ये वर्क स्टेशन अपना, इधर सिटिंग एरिया, और ये कुछ नेचुरल वुड का इन्होंने शोपीस लगा रखा है, और इधर भी एक कुछ सिटिंग एरिया, ये अपना लगेज वगैरह रख सकते हो, साथ में लाइटें भी हैं, पीछे भी उधर भी सिटिंग एरिया है।